नमस्कार दोस्तों, विक्रम कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनमेट्री, त्रिकोणमिति, जिसमें हम लोग जीरो टू हीरो यानी कि बेसिक से लेकर के एडवांस तक पढ़ेंगे। आज ये ट्रिगोनमेट्री का पहला क्लास है। धीरे धीरे इसमें हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें ट्रिगोनमेट्री में, तो हम लोग पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में, जिसमें एक एंगल होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है उसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण। ये अगर थीटा मानते हैं तो थीटा के सामने वाला साइड होता है परपेंडिकुलर, इसे हिंदी में बोलते हैं लंब। ये कर्ण है, ये लंब है, और इसे हम लोग कहते हैं बेस यानी कि आधार। यदि हम एक और राइट एंगल ट्रायंगल बना ले, समकोण त्रिभुज, ये है 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण। अभी हम लोग यहाँ पे थीटा माने थे, तो इसके सामने वाला साइड बना परपेंडिकुलर। यदि हम ये थीटा मान ले तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये साइड हो जाएगा बेस। यानी कि हाइपोटेन्यूज जो कर्ण है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा। थीटा के सामने जो साइड होगा, ये थीटा है तो थीटा के सामने जो साइड होगा ये कहलाएगा परपेंडिकुलर। यहाँ अगर थीटा है तो थीटा के सामने जो साइड होगा वो होगा परपेंडिकुलर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हम बात करें ट्रिगोनमेट्री में, तो हम लोग पढ़ेंगे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यदि हम पी स्क्वायर निकालना चाहे तो बी स्क्वायर उधर जा करके माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यदि हम बी स्क्वायर निकालना चाहे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहाँ से अगर हम बोले कि एच का वैल्यू निकालना हो तो ये स्क्वायर जाके रूट लग जाएगा, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि पी निकालना हो तो ये स्क्वायर जाके उधर रूट हो जाएगा, यानी कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि बी निकालना हो तो ये रूट हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, कोस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, और टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी। टेन का अगर हम उल्टा करेंगे तो इसका रिवर्स हो जाएगा कोट थीटा, और कोट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा बी बाई पी। ठीक उसी प्रकार से अगर हम कोस का उल्टा करें तो कोस का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा, ये आ जाएगा एच बाई बी। और साइन का अगर उल्टा करें तो साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा, और ये कहलाएगा एच बाई पी। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर वन होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर वन। चलिए इसको अगर प्रूफ करें तो साइन थीटा का मतलब होता है पी बाई एच, और कोसेक थीटा का मतलब होता है एच बाई पी। यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो ये एच से एच ख़त्म, पी से पी ख़त्म, ये दोनों कट करके कितना आ जाएगा वन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर वन होगा। यदि साइन थीटा निकालना हो तो ये वन कोसेक थीटा डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय कोसेक थीटा। और यदि कोसेक थीटा निकालना हो तो ये बन जाएगा वन डिवाइड बाय साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर वन। साइन थीटा निकालना हो तो वन डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा निकालना हो तो वन डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक इसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर वन। इसको भी उसी तरह से प्रूफ कर सकते थे, कोस का वैल्यू लिख करके इंटू सेक का वैल्यू लिख करके, तो ये कितना आ जाएगा वन आ जाएगा। अगर कोस थीटा निकालना हो तो ये हो जाएगा वन डिवाइड बाय सेक थीटा, और यदि सेक थीटा निकालना हो तो ये हो जाएगा वन बाई कोस थीटा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बोले कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होगा वन, अगर टेन थीटा निकालना हो तो ये हो जाएगा वन डिवाइड बाय कोट थीटा,
और यदि कोट थीटा निकालना हो तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय टेन थीटा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। चलिए देखिए इसको प्रूफ करते हैं। साइन स्क्वायर का मतलब होता है पी स्क्वायर, साइन का मतलब होता है पी बाई एच, तो स्क्वायर है इसलिए पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। कोस का मतलब होता है बी बाई एच, तो बी स्क्वायर बटा में एच स्क्वायर। अगर नीचे में दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर, ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बटा में एच स्क्वायर, तो ये एच स्क्वायर खत्म होगा, बचेगा 1। तो यहाँ से हम लोग देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा निकालें तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और यदि साइन थीटा निकालना हो तो ये स्क्वायर जाकर उधर रूट बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यदि हम कोस स्क्वायर थीटा निकालें तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यदि कोस थीटा निकालना हो तो ये अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे देखते हैं, जैसे अगर हम बात करें कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1। चलिए इसको भी देख लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा का मतलब होता है एच स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर, माइनस टेन का मतलब होता है पी स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, ये आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर और बट्टा में बी स्क्वायर। तो ये बी स्क्वायर खत्म होगा, आ जाएगा 1। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1। अगर सेक स्क्वायर थीटा निकालना हो, सेक स्क्वायर थीटा निकालना हो तो माइनस का टेन उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और यदि सेक थीटा निकालना हो तो स्क्वायर जाकर के उधर रूट बनेगा, ये बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर हम टेन स्क्वायर थीटा निकाल ले तो टेन इक्वल टू में जा कर के प्लस हो जाएगा, यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये इक्वल टू में 1 जो है सेक स्क्वायर थीटा तरफ आ करके माइनस हो जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से अगर हम टेन थीटा निकालते हैं तो स्क्वायर जा कर के उधर रूट बनेगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए आगे देखते हैं, अगर हम बात करें कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। ये भी ठीक उसी प्रकार से जैसे अभी हम लोग सारा प्रूफ किए हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू लिखेंगे माइनस कोट स्क्वायर का लिखेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अभी अगर हम चाहें कि कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना हो तो माइनस का उधर इक्वल टू में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और यदि कोसेक थीटा निकालना हो तो स्क्वायर उधर जाकर के रूट लगेगा, यानी ये बन जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से अगर हम बोले कि कोट स्क्वायर थीटा निकालना हो तो ये इक्वल टू में जाके प्लस हो जाएगा, ये बनेगा कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्लस 1 इधर आ करके माइनस हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर कोट स्क्वायर थीटा निकालना हो तो ये कोट स्क्वायर तो निकल चुका है, अगर हम कोट थीटा निकाले कोट थीटा तो ये स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएगा, ये बन जाएगा अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे बढ़ते हैं, एक और हम लोग फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें टेन थीटा तो ये होता है साइन थीटा बटा में
कोस थीटा। चलिए ये कैसे आएगा तो इस ध्यान से देख लीजिए, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है पी बाई एच, कोस थीटा का वैल्यू होता है बी बाई एच। अगर हम इसको पी बाई एच, अगर ये पी बाई एच और ये बी बाई एच को उधर लिख दे तो ये कितना हो जाएगा एच बाई बी, तो ये एच से एच ख़त्म हो जाएगा, बनेगा क्या पी बाई बी। तो यहाँ से ये हम लोग का बन जाएगा पी बाई बी किसका होता है, तो पी बाई बी होता है टेन थीटा। तो यहाँ से टेन थीटा बराबर होगा साइन थीटा बाई कोस थीटा, और ठीक इसी का अगर उल्टा निकाले यानी कि कोट थीटा निकाले तो ये बन जाएगा कोस थीटा बटा में साइन थीटा, यानी ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। चलिए अब इतना थोड़ा सा हम लोग बेसिक पढ़ लिए हैं, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हम लोग को कैसा दिया रहेगा एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर वन दिया है साइन थीटा इक्वल टू फोर बाई फाइव, और पूछा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटा में टेन थीटा माइनस कोट थीटा। चलिए सॉल्व करेंगे, साइन थीटा का मतलब होता है पी बाय एच, ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा एच, तो पी बाय एच यानी पी पता है एच पता है तो बी यहाँ से निकाल लेंगे, चार पाँच से अगर निकालेंगे बी का तो बी कैसे निकल जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो पाँच चार से ये बी कितना आ जाएगा तीन आ जाएगा। अगर निकालना हो तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं, बी बराबर क्या होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो यहाँ से एच कितना है, एच है हम लोग का पाँच का स्क्वायर माइनस पी कितना है चार का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा पाँच का स्क्वायर पच्चीस माइनस चार का स्क्वायर सोलह, तो ये पच्चीस माइनस सोलह यानी कि नौ, और नौ से बाहर आएगा तो तीन, तो ये बी आ गया कितना थ्री। अब वैल्यू हम लोग बैठा देंगे कि साइन थीटा पी बाई एच, साइन थीटा तो वैल्यू दिया हुआ है फोर बाई फाइव, प्लस कोस थीटा, कोस थीटा होता है बी बाई एच, तो तीन बटा में एच है पाँच, डिवाइड बाय टेन थीटा, टेन का मतलब होता है पी बाई बी, तो पी है चार बी है तीन, माइनस कोट, कोट उल्टा हो जाता है यानी कि हो जाएगा बी बाई पी तीन बटा में चार। यहाँ से सॉल्व करेंगे ये दोनों का अगर एलसीएम ले लेंगे तो पाँच यानी चार प्लस तीन हो जाएगा, और यहाँ से एलसीएम अगर लेते हैं तो चार और तीन का बारह, तो ये हो जाएगा चार चौके सोलह माइनस तीन तिया नौ। सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा चार तीन सात बटा में पाँच, और इसको अगर हम पलट दे तो ये हो जाएगा बारह ऊपर और सोलह माइनस नौ यानी कि सात, तो ये कट जाएगा सात से सात ख़त्म, आंसर क्या आ जाएगा बारह बटा में पाँच, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू दिया है टेन थीटा बराबर फोर बाई थ्री, और पूछा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटा में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है साइन थीटा बटा में कोस थीटा। अभी हम लोग पढ़े सर टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन बाई कोस, तो ये हो गया साइन का वैल्यू चार लिख सकते हैं और कोस का वैल्यू तीन, तो वैल्यू बैठा देंगे साइन का मतलब चार प्लस कोस का मतलब तीन बटा में साइन चार माइनस कोस यानी कि तीन, ये हो जाएगा सात बटा में एक यानी आंसर आ जाएगा कितना सात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री दिया है कोट थीटा इक्वल टू थ्री बाई फोर, और पूछा है थ्री साइन थीटा प्लस फोर कोस थीटा बटा में फोर साइन थीटा माइनस थ्री कोस थीटा। सॉल्व करेंगे अगर कोट का वैल्यू देखें तो कोट का मतलब क्या होता है कोस बाय साइन, कोस हो जाएगा तीन और साइन हो जाएगा चार, तो जहाँ जहाँ वैल्यू साइन का है कोस का है बैठा देंगे, तीन गुना साइन, साइन कितना है चार प्लस चार गुना कोस, कोस कितना है तीन बटा में चार गुना साइन यानी कि चार माइनस तीन गुना कोस यानी कि तीन, तो यहाँ से आ जाएगा तीन गुना चार बारह और चार गुना तीन बारह, तो बारह बारह चौबीस बटा में चार चौके सोलह और तीन तिया नौ, तो सोलह माइनस नौ कितना जाएगा सात, तो ये हो जाएगा आंसर।
चलिए तो आज हम लोग इसमें बस इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसका आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।